नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल और ये है वन प्लस नोड 3 5G। दोस्तों, अगर आपने इस फोन को परचेस किया है या अगर आप इसे परचेस करने वाले हो, तो जैसे आप अपने फोन में सेटअप कंप्लीट करोगे, आपको तुरंत चेंज करनी है ये 20 सेटिंग्स। इन सभी 20 सेटिंग्स को चेंज करना काफी जरूरी है आपके फोन के सेफ्टी, सिक्योरिटी, प्राइवेसी और प्रोडक्टिविटी के लिए। तो अगर आप अपने फोन को बेहतर तरीके से यूज करना चाहते हो, तो आपको चेंज करनी है ये सभी 20 सेटिंग्स। तो आइए दोस्तों, चेंज करते हैं उन सभी 20 सेटिंग्स को वन बाय वन। आप इस फोन में डबल टैप टू लॉक और डबल टैप टू ऑन के फीचर को यूज कर सकते हो। तो अगर आपको इस फीचर को ऑन करना हो आपके फोन में, तो आपको होम पेज पे लॉन्ग टैप करना है, जाना है मोर में और यहाँ पे होगा डबल टैप टू लॉक, इसे ऑन कीजिए। और नीचे और होगा डबल टैप टू वेक और टर्न ऑफ स्क्रीन, आपको इसे भी ऑन करना है। क्या आपको पता है, आप अपने फोन में बिना किसी ऐप को डाउनलोड किए व्हाट्सएप के डिलीट किए गए मैसेज को काफी आसानी से रीड कर सकते हो। तो आपको जाना है सेटिंग्स में, नोटिफिकेशन में, मोर सेटिंग्स में नोटिफिकेशन हिस्ट्री को ओपन करके आपको इसे ऑन करना है। इसके बाद आप देखोगे व्हाट्सएप में इस कॉन्टैक्ट ने इन मैसेज को डिलीट किया है, लेकिन मुझे नहीं पता ये मैसेज क्या थे। तो इन्हें रीड करने के लिए आपको जाना है सेम सेटिंग्स में और यहाँ पे होंगे व्हाट्सएप के मैसेज। आप देख पा रहे हो ये है व्हाट्सएप, व्हाट्सएप और यहाँ पे भी दो मैसेज आपको शो करेंगे। एरो पे टैप करोगे तो जो मैसेज डिलीट किए गए थे यहाँ पे शो करेंगे। आप इस फोन में YouTube को बैकग्राउंड में प्ले कर सकते हो, मतलब कि अगर आप YouTube को क्लोज करोगे, अपने फोन को लॉक करोगे, या आपके फोन में डिस्प्ले ऑफ हो जाएगा, फिर भी बैकग्राउंड में YouTube प्ले होता रहेगा। तो अगर आपको ऐसा प्ले करना है तो जाना है सेटिंग्स में, स्पेशल फीचर्स में, स्मार्ट साइड बार को ओपन कीजिए, आपको इसे ऑन करना है और यहाँ पे इंश्योर करना है स्मार्ट फंक्शंस ये भी ऑन होना चाहिए। इसके बाद अगर मैं YouTube को प्ले करूंगा तो आप देखोगे आपको यहाँ पे शो करेगा एक ब्लू कलर का बार, आपको स्वाइप करना है और यहाँ पे आपको मिलेगा ऑप्शन बैकग्राउंड स्ट्रीमिंग का। तो क्या कीजिए, आप पहले इसे प्ले कीजिए, टर्न ऑन कीजिए और आप देखोगे अब यहाँ पे इस पे टैप कीजिए, फिर टर्न ऑन पे टैप कीजिए, तो YouTube क्लोज हो चुका है, फिर भी बैकग्राउंड में म्यूजिक प्ले हो रहा है। इतना ही नहीं, अगर आप अपने फोन को लॉक करोगे, आपके फोन में डिस्प्ले ऑफ हो जाएगा, फिर भी YouTube प्ले होता रहेगा। और इसे क्लोज करने के लिए आपको एग्जिट पे टैप करना है। इस फोन में आपको कॉलिंग के लिए मिलता है ये गूगल का डायलर, जिसके जरिए आप अपने कॉल्स को रिकॉर्ड तो कर सकते हो, लेकिन उसमें होती है एक अनाउंसमेंट जिसमें कहा जाता है कि आपके कॉल्स को रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो सामने वाला जान जाता है जब आप उसके कॉल्स को रिकॉर्ड करते हो। तो अगर आप बिना किसी अनाउंसमेंट के आपके कॉल्स को रिकॉर्ड करना चाहते हो, तो आप ऐसा भी इनेबल कर सकते हो। आपको जाना है प्ले स्टोर में और यहाँ पे सर्च करना है ओ डायलर, ये ऐप आपको शो करेगा, आपको इसे करना है इंस्टॉल। ये जो ऐप है काफी सेफ है आपके फोन के लिए, इसे ओप्पो ने ही डेवलप किया है, ओप्पो और रियलमी वन प्लस फोन के लिए। तो आप इसे अपने फोन में यूज कर सकते हो, आपको इसे इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल होने के बाद आपको इसे ओपन करना है, ओके कीजिए, ओ डायलर को कीजिए सेट और सेट एज डिफॉल्ट, अलाउ कीजिए परमिशन को और कॉल रिकॉर्डिंग को इनेबल करने के लिए आपको जाना है सेटिंग्स में, कॉल रिकॉर्डिंग में और यहां पे होगा रिकॉर्ड ऑल कॉल्स, आपको इसे ऑन करना है। इसके बाद आपके सारे कॉल्स ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड होंगे और वो भी बिना किसी अनाउंसमेंट के। फिर आपको गूगल के डायलर को यहां से करना है रिमूव और इसके प्लेस पे हम ऐड करेंगे ओ डायलर जो हमने डाउनलोड किया है, ताकि अब से हम इसी का यूज कर सके। इस फोन में पावर मेनू को एक्सेस करने का तरीका थोड़ा अलग है, आपको पावर की और वॉल्यूम अप दोनों को एक साथ प्रेस करना होता है, तभी आपको मिलता है ये पावर मेनू, जहां से आप अपने फोन को पावर ऑफ या फिर रिस्टार्ट कर सकते हो। हालांकि अगर आप चाहो तो केवल पावर की पे लॉन्ग प्रेस करके भी इसे एक्सेस कर सकते हो, आपको दो बटन पे लॉन्ग प्रेस नहीं करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको जाना है सेटिंग्स में, एडिशनल सेटिंग्स में, पावर बटन में प्रेस एंड होल्ड पावर बटन और आपको करना है पावर मेनू पे सिलेक्शन। इसके बाद आपको करना है बस इस पे लॉन्ग प्रेस, पावर की पे लॉन्ग प्रेस कीजिए, आपको मिलेगा पावर मेनू। अब आपको दो बटन पे प्रेस नहीं करना पड़ेगा। क्या आपको पता है, अगर आपका फोन लॉक होता है और ऐसे में कोई आकर आपके फोन को पावर ऑफ करना चाहता है, आपके फोन को बिना अनलॉक किए, तो बिना पासवर्ड के कोई भी आपके फोन को पावर ऑफ कर सकता है, आप देख सकते हो। तो अगर आप चाहते हो बिना पासवर्ड और बायोमेट्रिक के आपके फोन को कोई भी स्विच ऑफ ना कर पाए, तो आप ऐसा भी इनेबल कर सकते हो। तो उसके लिए आपको जाना है सेटिंग्स में, सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी में, यहां पे होगा मोर सिक्योरिटी सेटिंग्स और ये है रिक्वायर पासवर्ड टू पावर ऑफ, इस पर टैप करके आपको इसे ऑन करना है, अपने पासवर्ड को एंटर करना है। इसके बाद अगर आपका फोन लॉक होता है और ऐसे में कोई आकर आपके फोन को पावर ऑफ करना चाहता है, तो उसे एंटर करना होगा आपका पासवर्ड या फिर स्कैन करना होगा आपका बायोमेट्रिक, तभी आपके फोन को वो स्विच ऑफ कर पाएगा। मान लेते हैं आपका फोन लॉक है, लेकिन फिर भी अगर कोई चाहे तो आपके फोन में जो कंट्रोल सेंटर है उसे काफी इजीली एक्सेस कर सकता है और जो टॉगल से उन्हें चेंज भी कर सकता है, इस तरीके से आप देख सकते हो। तो अगर आप चाहते हो बिना पासवर्ड के इस कंट्रोल सेंटर को एक्सेस ना कर सके,
तो आप लोकसेंट पे जो कंट्रोल सेंटर है उसे ब्लॉक कर सकते हो। तो आपको जाना है सेटिंग्स में, नोटिफिकेशन में, लॉक स्क्रीन पे टैप कीजिए और ये जो पहला ऑप्शन है स्वाइप डाउन, आपको इसे ऑफ करना है। इसके बाद अगर आपका फोन लॉक होता है और ऐसे में कोई आकर आपके फोन में जो कंट्रोल सेंटर है उसे एक्सेस करना चाहता है तो एक्सेस नहीं कर पाएगा। आप देख सकते हो जब आपका फोन अनलॉक होगा तभी कोई भी उसे एक्सेस कर पाएगा। अगर आपने अपने फोन में फेस अनलॉक को इनेबल किया होगा तो आपने गौर किया होगा जब भी आप अपने फोन को फेस से स्कैन करके अनलॉक करते हो तो आपका फोन अनलॉक तो हो जाता है, लॉक खुल जाता है, लेकिन आपको एंड में करना होता है स्वाइप अप, तभी आप अपने फोन को यूज कर सकते हो। लेकिन अगर आप चाहो तो बिना स्वाइप अप किए भी अपने फोन को अनलॉक कर सकते हो, आपको एंड में इस तरीके से स्वाइप अप नहीं करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको जाना है सेटिंग्स में, सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी में, डिवाइस लॉक को ओपन कीजिए, फेस पे टैप कीजिए, फेस को ओपन कीजिए और यहां पे होगा एंटर होम स्क्रीन, आपको इसे ऑन करना है। इसके बाद अगर मैं अपने फोन को फेस से स्कैन करके अनलॉक करूंगा तो आप देखोगे मुझे एंड में स्वाइप अप नहीं करना पड़ेगा, मेरा फोन हो जाएगा डायरेक्ट अनलॉक बिना स्वाइप अप किए। इस फोन में अगर आप होम पेज पे स्लाइड डाउन करोगे तो आपको मिलेगा ये शेल्फ का ऑप्शन जहां पे आपको शो करेंगे अलग अलग विजेट। तो अगर आप चाहते हो ये ऑप्शन मुझे शो ना करे, मैं चाहता हूं कि जब भी मैं स्लाइड डाउन करूं तो मुझे कंट्रोल सेंटर शो करे, तो आप ऐसा भी इनेबल कर सकते हो। तो आपको होम पेज पे लॉन्ग टैप करना है, जाना है मोर में और यहां पे होगा स्वाइप डाउन का ऑप्शन, टैप कीजिए और आपको सेट करना है नोटिफिकेशन ड्रॉअर पे। इसके बाद अगर मैं स्वाइप डाउन करूंगा तो मुझे मिलेगा कंट्रोल सेंटर, आप देख सकते हो आपके फोन में कितनी रैम अवेलेबल है, कितनी रैम यूज हो रही है और आपने अपने फोन में कितने जीबी वर्चुअल रैम को इनेबल किया है। अगर आपको शॉर्टकट तरीके से देखना हुआ इन सभी को तो आपको ओपन करना है रिसेंट एप्स को और यहाँ पे आप देखोगे क्लोज ऑल के नीचे आपको मिलेगी रैम इन्फो, कितनी रैम अवेलेबल है और कितनी वर्चुअल रैम आपने इनेबल की है आप यहाँ पे देख सकते हो। तो अगर आप चाहते हो ऐसा इनेबल करना तो आपको क्लोज ऑल पे लॉन्ग टैप करना है और यहाँ पे होगा डिस्प्ले रैम इन्फॉर्मेशन, आपको इसे ऑन करना है। कई सारे एप्स ऐसे होते हैं जो मल्टी विंडो सपोर्ट नहीं करते, मतलब कि आप उन्हें स्प्लिट विंडो में ओपन नहीं कर सकते। जैसे बात करेंगे प्ले स्टोर की तो आप देखोगे यहाँ पे आपको मिलेंगे मल्टी विंडो के लिए ऑप्शन, लेकिन सेटिंग्स में आपको नहीं मिलता ऐसा ऑप्शन और इस ऐप के लिए भी आपको नहीं मिलता मल्टी विंडो का ऑप्शन। तो अगर आप चाहते हो जो एप्स मल्टी विंडो सपोर्ट नहीं करते वो भी एप्स मल्टी विंडो सपोर्ट करें तो आप ऐसा भी इनेबल कर सकते हो आपके फोन में। तो उसके लिए आपको जाना है सेटिंग्स में, अबाउट डिवाइस में, वर्जन में, बिल्ड नंबर पे आपको लगातार 7 टाइम्स टैप करना है 1 2 3 4 5 6 7। फिर आपको जाना है बैक सेटिंग्स में और यहाँ पे होगा एडिशनल सेटिंग्स, इसे ओपन कीजिए और यहाँ पे होगा डेवलपर ऑप्शंस, इसे ओपन कीजिए। नीचे आइए तो सबसे पहले फोर्स एक्टिविटीज टू बी रिसाइजेबल, इसे ऑन कीजिए। इनेबल नॉन रिसाइजेबल इन मल्टी विंडो, इसे ऑन कीजिए और एंड में इनेबल फ्री फॉर्म विंडोज, इसे ऑन करके आपको करना है रिबूट, नाउ आपका फोन होगा रिस्टार्ट। तो अब आप देखोगे जो एप्स पहले मल्टी विंडो सपोर्ट नहीं करते थे वो भी आप सब मल्टी विंडो सपोर्ट करेंगे। जैसे कि सेटिंग्स आप देखोगे अब यहाँ पे शो करेगा मल्टी विंडो का ऑप्शन, आप इन्हें यूज कर पाओगे इस तरीके से मल्टी विंडो में। आप जब भी किसी भी ऐप या वेबसाइट में लॉगिन करते हो तो आपको एंटर करना होता है पासवर्ड और जब भी आप पासवर्ड को एंटर करते हो तो आपको कुछ मोमेंट के लिए आपके लेटर शो करते हैं इस तरीके से। अगर आपके बगल में कोई बैठा होगा तो जान जाएगा कि आपका पासवर्ड क्या है। तो अगर आप चाहते हो इस तरीके से आपके लेटर शो ना करे पासवर्ड बॉक्स में तो आप इसे हाइड भी कर सकते हो। तो उसके लिए आपको जाना है सेटिंग्स में, सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी में, प्राइवेसी में और यहाँ पे होगा प्राइवेसी कंट्रोल, इसे ओपन कीजिए और ये जो ऑप्शन है शो पासवर्ड आपको इसे ऑफ करना है। इसके बाद अगर मैं पासवर्ड को एंटर करूंगा तो आप देखोगे अब यहाँ पे कोई भी लेटर शो नहीं करेंगे, अब यहाँ पे शो करेंगे केवल डॉट्स। जैसे कि आपको पता होगा कीबोर्ड में बैक जेस्चर काम नहीं करते, तो अगर आपको बैक जाना हुआ तो आपको ऊपर में ही बैक करना पड़ेगा इस तरीके से, लेकिन अगर आप कीबोर्ड पे बैक करोगे तो ये काम नहीं करेगा। तो अगर आप चाहते हो कीबोर्ड में भी बैक काम करे तो आप इसे इनेबल कर सकते हो। तो आपको जाना है सेटिंग्स में, एडिशनल सेटिंग्स में, कीबोर्ड में और यहाँ पे होगा मिस टच प्रिवेंशन, आपको इसे ऑफ करना है। इसके बाद अगर मैं टाइप करते हुए बैक करना चाहूंगा कीबोर्ड पे तो बैक काम करेगा, आप देख सकते हो दोनों साइड से। इसके अलावा अगर आप गौर करोगे तो कीबोर्ड के नीचे आपको मिलती है ये अनवांटेड स्पेस जो किसी काम की नहीं है, तो अगर आप चाहो तो इस स्पेस को रिमूव कर सकते हो ताकि जो कीबोर्ड है नीचे शिफ्ट हो जाए। तो इसे रिमूव करने के लिए आपको जाना है सेटिंग्स में, एडिशनल सेटिंग्स में, कीबोर्ड में और यहाँ पे होगा कीबोर्ड लोकेशन, टैप करके आपको करना है स्टैंडर्ड पे सिलेक्शन। इसके बाद आप देखोगे कीबोर्ड के नीचे जो अनवांटेड स्पेस थी रिमूव हो चुकी है और कीबोर्ड नीचे शिफ्ट हो चुका है। आपके फोन में आज के दिन कितना डेटा यूज हुआ है, मतलब कि जो डेली डेटा यूसेज है उसे आप काफी इजीली चेक कर सकते हो। आपको करना है दो फिंगर से स्वैप डाउन और यहाँ पे शो करेगा इस महीने का डेटा यूसेज, हालांकि आपको डेली डेटा यूसेज शो करना है तो आपको इस पे टैप करना है।
और यहां पे होगा डेटा यूसेज लिमिट, टैप कीजिए डेली डेटा यूसेज लिमिट पे टैप कीजिए। अगर मान लेते हैं आपका लिमिट जो है डेली का वो है 2 GB, तो यहां पे सेट कीजिए 2 और यहां पे GB, टिक पे टैप कीजिए। इसके बाद आप देखोगे आपको शो करेगा यहां पे आज का डेटा यूसेज, आज आपने कितना डेटा यूज किया है और 2 GB में से कितना GB बचा है आप वो भी देख पाओगे। इसके अलावा आप यहां पे स्टेटस बार में बैटरी लेवल और नेटवर्क स्पीड को भी शो कर सकते हो। तो आपको जाना है सेटिंग्स में, नोटिफिकेशन में, स्टेटस बार में, और ये है रियल टाइम नेटवर्क स्पीड और ये है बैटरी लेवल। आप देखोगे ऊपर में दोनों चीजें शो करेंगी। अगर आप उनमें से हो जो अपने फोन को ओवरनाइट चार्जिंग करते हैं, रात भर चार्जिंग करते हैं 6-7 घंटे के लिए, तो आपके फोन में जो बैटरी है उस पर बुरा असर पड़ सकता है। तो अगर आप चाहते हो आपके बैटरी की हेल्थ लंबे समय तक अच्छी रहे, तो आपको जाना है सेटिंग्स में, बैटरी में, बैटरी हेल्थ में, और यहां पे होगा वॉइस चार्जिंग, आपको इसे करना है एट नाइट। तो आप मॉर्निंग में अपने फोन को कितने बजे यूज करना स्टार्ट करते हो, इसके अलावा अगर आपने अलार्म को सेट किया होगा तो उस टाइम के हिसाब से आपका फोन फुल्ली चार्ज होगा। तो रात से लेकर सुबह के उस टाइम के बीच में आपका फोन जो होगा स्लो स्पीड में चार्ज होगा, ताकि आपके बैटरी पे बुरा असर ना पड़े। आप अपने फोन में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले और एज लाइटिंग को भी इनेबल कर सकते हो। तो आपको जाना है सेटिंग्स में, वॉलपेपर एंड स्टाइल में, यह है AOD, इस पे टैप कीजिए, इसे ऑन कीजिए। आपको इसे कब यूज करना है, तो मोर डिस्प्ले सेटिंग्स में टैप कीजिए, डिस्प्ले मोड पे जाकर आपको करना है ऑल डे, मतलब कि हमेशा के लिए। अगर आपको टाइम के हिसाब से यूज करना है तो सेट कीजिए शेड्यूल पे, जो टाइम आप यहाँ पे सेट करोगे उस टाइम के दौरान ये फीचर काम करेगा। इसके अलावा आप अपने हिसाब से कोई भी जो स्टाइल है उसे चूज कर सकते हो AOD के लिए। तो मैंने फिलहाल सेट किया है मेरा कस्टम स्टाइल, अप्लाई करूंगा तो AOD इस तरीके से शो करेगा। AOD का मतलब होता है हमेशा के लिए शो करेगा मेरे डिस्प्ले पे। इसके अलावा अगर आपके फोन में कोई भी नई नोटिफिकेशन आएगी तो आपको मिलेगा एज लाइटिंग इफेक्ट, तो उसे इनेबल करने के लिए जाना है एज लाइटिंग में। आपको जो कलर चूज करना है उस कलर को चूज कीजिए इस तरीके से। मान लेते हैं आपका फोन लॉक है और आपके फोन में डिस्प्ले भी ऑफ है, तो ऐसे में अगर आपको जल्दी से कैमरा या टॉर्च को लॉन्च करना हुआ तो कैसे करोगे, तो आपको असाइन करने होंगे 2 जेस्चर। तो आपको जाना है सेटिंग्स में, एडिशनल सेटिंग्स में, जेस्चर्स एंड मोशंस में, स्क्रीन ऑफ जेस्चर को ओपन कीजिए और आपको इन दोनों ऑप्शन को ऑन करना है कैमरा के लिए और टॉर्च के लिए। तो अगर आपके फोन में डिस्प्ले ऑफ है, अगर आपको कैमरा को लॉन्च करना हुआ तो ऑर्डर कीजिए, आपके फोन में ओपन होगा कैमरा, और अगर आपको टॉर्च को ओपन करना हुआ तो टॉर्च के लिए विड्रॉ कीजिए, टॉर्च होगा ओपन, इसे ऑफ करने के लिए विड्रॉ कीजिए। ऐप ड्रॉअर में अगर आप कुछ भी सर्च करोगे तो आपको यहाँ पे आपके एप्स तो शो करेंगे ही, लेकिन इसके अलावा यहाँ पे इस तरीके से प्ले स्टोर के जो एप्स है वो भी शो करेंगे, ताकि आप इन्हें डाउनलोड कर सको यहीं से। तो आप अगर कुछ भी सर्च करोगे जैसे कि फूड या बुक, तो आप देखोगे ये जो एप्स होंगे ऐसे शो करेंगे ही। तो अगर आप चाहते हो ऐप ड्रॉअर में सर्च करने पे इस तरीके से ये ऐप शो ना करे, तो आप इसे डिसेबल कर सकते हो। तो आपको जाना है होम पेज पे, लॉन्ग टैप करिए, जाइए मोर में, और ये जो ऑप्शन है स्मार्ट सर्च इन ऐप ड्रॉअर, आपको इसे ऑफ करना है। इसके बाद अगर आप कुछ भी सर्च करोगे ऐप ड्रॉअर में, तो आप उस तरीके से ऐप शो नहीं करेंगे, आप देख सकते हो। अगर आप गेमिंग कर रहे हो और अगर आपको जानना हुआ कि आपके फोन में जो गेम है कितने FPS पे रन कर रहा है, तो उसके लिए आप जो लाइव FPS मीटर है उसे भी इनेबल कर सकते हो गेमिंग के दौरान। तो जैसे आप किसी भी गेम को ओपन करोगे तो आपको क्या करना है, आपको कॉर्नर से करना है स्वाइप डाउन इस तरीके से, आपको मिलेगा ये गेम पैनल, और इसमें आपको जाना है नीचे, यहाँ पे होगा सिस्टम स्टेटस, ये रहा सिस्टम स्टेटस, इस पर टैप कीजिए और ये है FPS मीटर। इस तरीके से आप इसे मिनिमाइज भी कर सकते हो और इसे आप जहां पे चाहे वहां पे प्लेस भी कर सकते हो। जो पहला आपको नंबर शो कर रहा है वो है FPS। दोस्तों तो ये थी वो 20 सेटिंग्स जिन्हें आपको चेंज करना था आपके OnePlus Note 3 5G फोन में। इसके बाद आप काफी बेहतर तरीके से अपने फोन को यूज कर पाओगे। अगर आपको कोई भी सवाल हो तो आप हमें पूछ सकते हो, आप मुझे Instagram पे या फिर Twitter पे भी मैसेज कर सकते हो। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।